ग्राम रिची में मिडिल स्कूल प्रांगण के समीप डॉक्टर ब्रजमोहन तिवारी शिक्षक ने अपने माता पिता की स्मृति में भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराकर मंदिर में नर्मदा जन्मोत्सव के अवसर पर बाबा भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर को ग्रामवासियों को सौंपा। देवेश्वर महादेव मंदिर ग्राम रिची में निर्माण कार्य डॉक्टर बीएम तिवारी शिक्षक द्वारा गंगा दशमी पर प्रारंभ किया गया था। अपने माता पिता की स्मृति में ग्राम में भव्य मंदिर तैयार हुआ। ग्राम में महादेव मंदिर नहीं था। डॉक्टर तिवारी के मन में आई प्रेरणा से यह कार्य करने की उमंग जगी और उन्होंने उसे साकार रूप देकर नर्मदा जयंती पर देवेश्वर महादेव की स्थापना कर कन्या भोजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन रखा, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने उपस्थित होकर अपना सहयोग दिया। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया, जिसमें महादेव को ग्राम रिची का ग्राम भ्रमण कराया गया। कलश यात्रा में ग्राम के बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं भी शामिल हुए। कलश यात्रा में भजन, कीर्तन, नृत्य करते हुए शिव भक्त शामिल हुए। कलश यात्रा का समापन मां मंदिर प्रांगण में हुआ। शिक्षक डॉक्टर ब्रजमोहन तिवारी से हमारे संवाददाता ने जानकारी ली तो उन्हें बताया कि मंदिर में पहले माता पिता की स्मृति में वीणा वादिनी मां शारदा का मंदिर निर्माण कराया। फिर एक दिन भीषण गर्मी में विद्यालय से शिक्षण कार्य के पश्चात घर लौट रहे थे, उसी समय एक दाम्पत्य रास्ते में मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि हम यहाँ एक समारोह में आए हैं और आज सोमवार है, हमें शिव पूजन करना है, यहाँ पर शिव मंदिर कहाँ है। तब मैंने उनसे कहा कि हनुमान मंदिर में ही भगवान नर्मदेश्वर महादेव हैं, आप वहां पर पूजन कर सकते हैं। उसी दिन मन में एक प्रण आया कि एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। माता पिता की स्मृति में मंदिर निर्माण का प्रण लिया। समस्त ग्रामवासियों के साथ बैठकर उनसे चर्चा की। समस्त ग्रामीण भाइयों ने इस कार्य में सहयोग की इच्छा जताई। इस प्रकार यहाँ भव्य शिव मंदिर का निर्माण हुआ और आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद मन को बड़ा ही सुकून मिला। इस प्रकार कलयुग में एक पुत्र के द्वारा अपने माता पिता की स्मृति को हर समय स्मृति में बनाए रखने के लिए यह भव्य अनूठा कार्य किया गया। डॉक्टर तिवारी हमेशा सेवा का कार्य करते हैं और उनके इसी समर्पण के कारण उन्हें कई बार मंचों से सम्मानित किया गया। विभिन्न संस्थाओं ने, दादाजी सेवा भक्त मंडल के प्रदीप साहू पूर्व पार्षद ने मंदिर परिसर में पहुंचकर भगवान का पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर लोक गायक देवराज नागर एवं सतीश सोनी सहित बड़ी संख्या में भक्तों, श्रद्धालुओं ने भी भंडारे में महाप्रसादी ग्रहण की। पूर्व पार्षद प्रदीप साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान की असीम कृपा से ही इस प्रकार के दिव्य अनुष्ठान और कार्यों को करने की प्रेरणा हमें मिलती है। मंदिर का निर्माण करने से एक पीढ़ी का निर्माण होता है। हजारों लोग इस मंदिर में भगवान की साधना आराधना करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। डॉक्टर तिवारी इसके लिए बधाई के पात्र है। आयोजन महादेव के निर्माण और स्थापना को लेकर हमने प्रारंभ किया था और सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न हुआ कि हमारा आदिवासी बाहुल्य इलाका है और महादेव की कृपा हमेशा इन पर बनी रहती है और ये लोग हमेशा बड़े देव के लिए समर्पित रहते हैं, तो मेरा जीवन इन्हीं लोगों के बीच रहा है, ग्रामवासियों के बीच। मुझे अपने सेवा काल करते हुए लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। खातेगांव विकास खंड के आदिवासी बहुल इलाके रिची में ग्राम पंचायत रिची के हम मिडिल स्कूल प्रांगण में हमारी टीम के साथ पहुँचे। आज नर्मदा जयंती का पावन उत्सव है और आप ये जो देख रहे हैं चारों तरफ इस समय पूरे परिसर में कन्या भोजन का आयोजन चल रहा है, भंडारे का आयोजन चल रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ शिव भक्त, नर्मदा भक्त पहुँचे हुए हैं। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।